प्रो कबड्डी सीजन 8 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे मैं आपको बताने वाला टॉप 10 डिफेंडर्स जिनके पास सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स है सीजन 8 में। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो चाहे बात करते हैं नंबर 10 की, तो गाइस यहाँ पे टॉप 10 डिफेंडर्स की लिस्ट में नंबर 10 पे है सुरजीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, सुरजीत सिंह तमिल तलाश की टीम की तरफ से खेल रहे हैं, कुछ मैचेस मिस किए लेकिन तभी भी इनका काफी अच्छा सीजन रहा है। इन्होंने कुल 20 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 53 टैकल पॉइंट्स है एंड 53 टैकल पॉइंट के साथ सुरजीत सिंह नंबर 10 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 9 की, तो गाइस यहाँ पे नंबर 9 पे है परवेश भैसवाल। जी हाँ दोस्तों, परवेश भैसवाल गुजरात जायंट्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं एंड इन्होंने कुल 23 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 56 टैकल पॉइंट्स थे एंड 56 टैकल पॉइंट के साथ परवेश भैसवाल नंबर 9 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 8 की, तो कैसे पे नंबर 8 पे है नीतेश कुमार। जी दोस्तों, नीतेश कुमार यूपी उदय की टीम की तरफ से खेल रहे थे एंड बहुत सा सीजन इनका रहा है, लास्ट सीजन की तरह तो परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन स्टार्टिंग में इनका फॉर्म चला गया था लेकिन अगेन एंडिंग के टाइम पे यहाँ पे नीतेश कुमार ने कमबैक किया है। इन्होंने कुल 24 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 57 टैकल पॉइंट्स है एंड 57 टैकल पॉइंट के साथ नीतेश कुमार नंबर 8 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 की, तो कैसे पे नंबर 7 पे है सोमवीर। जी हाँ दोस्तों, सोमवीर का बहुत सा सीजन रहा है, हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। इन्होंने सिर्फ 19 मैचेस खेले एंड 19 मैचेस में से इनके पास टोटल 60 टैकल पॉइंट्स थे एंड 60 टैकल पॉइंट के साथ सोमवीर नंबर 7 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 की, तो कैसे पे नंबर 6 पे है रिंकू। जी हाँ दोस्तों, रिंकू युमा की टीम की तरफ से खेल रहे हैं एंड कहीं ना कहीं फजल अतराचली का ना चलना यहाँ पे युम्बा के लिए एक बुरी बात थी लेकिन वहीं पे दूसरी साइड रिंकू ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इन्होंने कुल 22 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 60 टैकल पॉइंट्स है एंड 60 टैकल पॉइंट के साथ रिंकू नंबर 6 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 की, तो कैसा पे नंबर 5 पे है सुमित। जहां दोस्तों सुमित यूपी उदय की टीम की तरफ से खेल रहे थे एंड अगेन इस सीजन सुमित एंड नीतेश कुमार का जोड़ी बहुत हिट था। इन्होंने कुल 24 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 62 टैकल पॉइंट्स है एंड 62 टैकल पॉइंट के साथ सुमित नंबर 5 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की, तो कैसे पे नंबर 4 पे है जयदीप। जी हां दोस्तों, जयदीप का क्या ही सीजन रहा है जहां पे इन्होंने कुल यहां पे 22 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 66 टैकल पॉइंट्स है एंड 66 टैकल पॉइंट के साथ जयदीप नंबर 4 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 की, तो कैसे पे नंबर 3 पे है सौरभ नंदल। जी हाँ दोस्तों, सौरभ नंदल बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेल रहे थे एंड इनका भी सीजन काफी अच्छा रहा है, हर मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इन्होंने कुल 24 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 69 टैकल पॉइंट्स है एंड 69 टैकल पॉइंट के साथ सौरभ नंदल नंबर 3 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की, तो कैसे पे नंबर 2 पे है सागर। जी हाँ दोस्तों, सागर तमिल तलाश की टीम की तरफ से खेल रहे थे एंड इनका भी बेस्ट सीजन था, बिकॉज हर 3 मैच में से 1 मैच में तो यहाँ पे सागर हाई फाई स्कोर कर ही रहते हैं एंड इनका बेस्ट सीजन था जहाँ पे इन्होंने 22 मैचेस खेले, इनके पास टोटल 82 टैकल पॉइंट्स है एंड 82 टैकल पॉइंट के साथ सागर नंबर 2 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 के, तो गाइस टॉप 10 डिफेंडर ऑफ प्रो कबड्डी सीजन 8 है मोहम्मद रेजा चियाने। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रेजा चियाने का क्या ही सीजन था जहाँ पे पटना पाइरेट्स की टीम की तरफ से खेल रहे थे। इन्होंने 24 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 89 टैकल पॉइंट्स है एंड 89 टैकल पॉइंट के साथ डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट भी मोहम्मद रेजा चियाने थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगेन इस सीजन हमें एक नया डिफेंडर मिला जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, डेब्यू सीजन में टॉप डिफेंडर बना पीकेएल का बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे सीजन 8 में कौन सा डिफेंडर आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया एंड आपका फेवरेट डिफेंडर सीजन 8 में कौन थे, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस हो गई पैन करते हैं, आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जोर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।